हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट हु किल सारा सीजन 2, जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 41 मिनट से लेके 45 मिनट्स के बीच में ही, और शो की कहानी एग्जैक्ट सीजन 1 के बाद ही स्टार्ट होती है। मैं सीजन 1 में इंटरेस्टेड था कि भाई सारा को आखिर मारा किसने, लेकिन सीजन 1 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मैं इंटरेस्टेड था कि भाई सीजर जो कि ये चचा, ये इतनी मौज वाली जिंदगी कैसे जी सकते हैं भाई। और इसका स्वैग तो एक अलग ही लेवल पे जा रहा था सीजन 1 में, लेकिन सीजन 2 में जिस तरह से स्टार्टिंग के 3 एपिसोड बताए हैं और जो जो शॉकिंग मोमेंट्स उसी में डाल दिए है मेकर्स ने, उसके बाद आप लोग ये सोचोगे कि भाई लोग आगे बताएंगे क्या। और सीरियसली सीजन 1 के कंपेयर में सीजन 2 वे अहेड हर एक चीज़ में, चाहे वो जितने भी कैरेक्टर्स हो, चाहे वो चीमा हो, रोडाल्फो हो, सीजर हो, सीजर की वाइफ हो और उसके साथ काम करने वाले लोग हो, यानी कि हर एक कैरेक्टर जिसको आपने सीजन 1 में देखा था, सीजन 2 में उस सारे कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से प्रोग्रेस किया, उनको डेवलप किया कि यार लिटरली जिनको आप लोग ना पसंद करे तो उसको आप लोग पसंद करने लोगे, और जिसको आप लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे उसको आप लोग और भी ज़्यादा पसंद करने लोगे। मतलब पूरी तरह से टेबल टर्न कर दिया। और सिर्फ हु किल सारा के भाई, उस लड़की को उस वक्त मारा किसने था, उसके पैराशूट की रस्सी किसने काटी थी, तो एक छोटी सी चीज़ को मेकर्स ने इतना आगे लेके गया और इतनी अच्छी तरह से लेके गया, इसके लिए इन क्रिएटर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। और सीरियसली यहाँ पर जो मेन प्लॉट है उसके अलावा जो जितने सब प्लॉट्स हैं ना, उसको भी इतना इंटरेस्टिंग बताया कि हर एक एपिसोड आप उतने ही इंटरेस्ट से देखते हो। और द वे दे हैव एग्जीक्यूट, यानी कि जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है उसको जिस तरह से उन लोगों ने बताया है डिटेल में, उससे आप लोग प्रेजेंट की सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हो। और लिटरली एक वक्त ऐसा था जहाँ पर आप लोग ये भूल जाते हो कि यार हम लोग कोई एक शो देख रहे हैं, मतलब एक अलग ही जोन में आपको हु किल सारा लेके चले जाता है। और शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, बीजीएम बहुत अच्छे हैं। और देखिए यार, मैक्सिकन मैंने इतने ज़्यादा शोज़ देखे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे शोज़ देखे जिससे मैं कह सकता हूँ कि यार उनके इंडस्ट्री में भी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, और आप लोग ये शो में फील कर पाते हो। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यस, ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, बट मुझे तो भाई चचा का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। खैर, अब चचा के जिक्र हो गया तो मैं आपको एक ये इमेज दिखाता हूँ। जब ये एपिसोड में आता है, तीसरे एपिसोड में, उस वक्त आपको शॉकिंग भी फील होगा और आपको बहुत ज़्यादा हंसी छूटेगी, सीरियसली हंसी छूटेगी। और तभी एक ही चीज़ बोलोगे कि भाई चचा ने ज़िंदगी में मौज ही की है बस यार, और कुछ भी नहीं किया। लेकिन सीजर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ हु किल सारा, बस आप समझ लो। और उसके अलावा मैरी फर यार, ये एक कैरेक्टर इतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा और इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा शो के लिए, मुझे नहीं पता था। और उसको बहुत अच्छी तरह से एडिट किया, और थैंक गॉड इसमें 8 एपिसोड थे, अगर 10 एपिसोड होते तो यार सच में वर्थ वॉच नहीं होता, क्योंकि एक चीज़ को आप कितना ज़्यादा खींच सकते हो, कितनी सारी चीज़ें बता सकते हो। डायरेक्शन मुझे ओवरऑल अच्छा लगा, क्योंकि अगर नेगेटिविटी की बात करो तो यार इसमें आपको बैड वर्ड सुनने को मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लिटरली हर एक सीन में आपको गाली गलौज सुनने को मिलती है, और एडल्ट सीन की तो ऐसी बात है कि भाई ये शो को आप एडल्ट सीन के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते, यानी कि वो न्यूड सीन हो, या वो सेक्सुअल सीन्स हो, या वो मास्टरबेटिंग वाले सीन हो, या वो ब्लोजॉब वाले सीन हो, मतलब यहाँ पर आपको उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि क्या करूँ यार मैं, वो एक मैक्सिमम शो है यार, अगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑडियंस को पसंद आती होगी या इस लेवल की दिखाना अच्छी लगती होगी तो शायद लोग दिखा रहे हैं। बाकी एज एन इंडियन ऑडियंस ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा शो है। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।